आरोग्य जागृति की ओर से हमारे सभी व्यूवर्स को इस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, इस दिवाली को हम अपने परिवार की सेहत का ख्याल रखकर मनाएंगे, मतलब पटाखों को अपने परिवार से थोड़ा दूर ही रखेंगे, क्योंकि पटाखे प्रदूषण के साथ हमारे बच्चों के आंखों को भी बहुत हानि पहुंचाते हैं। पटाखों से और फुलझड़ी जैसी चीजों की रोशनी से निकलने वाले हानिकारक किरणों के कारण हमारे बच्चों की आंखों की रोशनी भी जा सकती है। ये हम नहीं, मराठवाड़ा के मशहूर नेत्र तज्ञ डॉक्टर कांकरिया बता रहे हैं। तो सावधान, फुलझड़ी, अनार, जमीन चक्र जैसी चीजों से अपने बच्चों को थोड़ा दूर ही रखें और अपने परिवार का ख्याल रखें। नमस्कार। सबका चहेता त्यौहार जो है दिवाली, अभी कुछ दिनों के ऊपर ही है और दिवाली बोले तो धूमधाम होती है, लोगों के अंदर उत्साह होता है और भारतीय संस्कृति के अनुसार ये नए साल की शुरुआत भी होती है। और त्यौहार बोलने के बाद फिर दिवालियों में विशेषकर आतिशबाजी, पटाखे, ये चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और ज़्यादातर बच्चों को अपनी या जो उनके पालक है उन्होंने, पेरेंट्स हैं, उन्होंने ये देखना चाहिए कि हानिकारक पटाखे जो है, जो ब्लास्ट करते हैं, वो बच्चों को ना दें। और ऐसे भी जो है, जो काफ़ी बार बच्चे लगाते हैं झुककर और आंखों के ऊपर उसका जो है वो उसका जो फुलझड़ी है या उसकी दारू है वो सब चेहरे पे आ जाती है। और काफ़ी बार हमने अभी दिवाली के त्यौहार में ऐसे किसी के ऊपर नौबत ना आए, मगर ऐसे भी कुछ हादसे देखे हैं कि ऐसे जो धमाकेदार पटाखे होते हैं, काफ़ी बार हम अपने हाथ में पकड़ के डर के दूर फेंक देते हैं, सामने वाला आदमी वो बेदखल होता है, उसे पता भी नहीं होता है और झट करके धमाका होता है, कई जनों की आंखें भी जाती है, दृष्टि जाती है। तो सभी दिवाली के इस त्यौहार में विशेषकर बच्चों को और महिलाओं को भी, महिला भी जो है पटाखे जलाने में काफ़ी बार उनके जो कपड़े हैं वो भी काफ़ी बार अंगार पकड़ लेते हैं और काफ़ी कुछ गंभीर घटनाएं भी होती है। तो दिवाली ये त्यौहार आनंददायी हो इसलिए आंखों के लिए ये जो कुछ छोटी सी सावधानी है वो आप सभी रखें और दीपावली की आपको सभी को शुभकामनाएं। आपकी ये दृष्टि जो है ये निरंतर आपको 21वीं शताब्दी की ये जो दृष्टि है ये आखिर तक आपको अच्छी रहे, ये शुभकामनाओं के साथ। धन्यवाद।